नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेश की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन, क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन, क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन, क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली
यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी, मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है, मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी, मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है, मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी, मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है, मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी, मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर
दिल अवेस को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेस की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाए कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेस को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेस अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेस की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेस पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेस अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन क्या सिकंदर दिल अवेस को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेस की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाए कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेस को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेस अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेस की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेस पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेस अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन क्या सिकंदर दिल अवेस को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेस की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाए कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेस को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेस अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेस की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेस पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेस अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन क्या सिकंदर दिल अवेस को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेस की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाए कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा
कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज
अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरी ने किया सिकंदर
दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाज़रीन ने किया सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा
कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है। ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी। जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी। जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है। ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी। जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी। जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है। ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी। जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी। जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है। ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी। जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी। जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज
अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिल अवेज की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाब बेगम नवाब शहाबुद्दीन को बार बार तंग करेगी और कहेगी कि जल्द अज जल्द पता चलाएं कि मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो नवाब शहाबुद्दीन नवाब बेगम से इंतहाई गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, उसने एक लोफर सड़क छाप के साथ निकाह कर लिया है और अब वो दुबई भाग गई है, ये थी तुम्हारी तरबियत। ये बात सुनकर तो नवाब बेगम दंग रह जाएगी कि फारिया ऐसा भी कर सकती है। मगर नवाब बेगम दिल अवेज को किसी भी सूरत खुश नहीं देख पाएगी। जब दिल अवेज अपनी फैमिली यानी कि सिकंदर और उसके घर वालों के साथ वापस नवाब साहब की हवेली आएगी तो नवाब बेगम उनसे कहलवा देगी कि दिल अवेज की माँ एक नीच खानदान से थी, जिस रात ये पैदा हुई वो इसे छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसके बाद एक मर्तबा फिर दिल अवेज पर मुश्किल आएगी। मगर दिल अवेज अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से सिकंदर के घर वालों को सिकंदर के घर वालों का दिल जीत लेगी। तो जब सिकंदर के घर वाले सिकंदर को समझाएंगे कि बेटा अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, तो सिकंदर अपने घर वालों से कहेगा मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो नाजरीन क्या सिकंदर दिल अवेज को वो इज्जत वो मकाम दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।